क्या आप जानते हैं विवाह में कंगन क्यों बांधा जाता है? विवाह में कंगन बांधने का जो नियम है, शायद आप सबको पता होगा, आप सभी के यहाँ विवाह में कंगन बांधा जाता होगा और पंजाब में इसे गाना कहते हैं। कंगन जो बांधा जाता है, इसके पीछे क्या राज है, ऐसा क्यों करते हैं? तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि विवाह में कंगन क्यों बांधा जाता है। इसका अर्थ है कि जब शादी होता है, विवाह संस्कार जो होता है, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा कोई संस्कार है तो विवाह संस्कार। और इसमें जो कन्या है, जो पुरुष है, वर वधु को लक्ष्मी नारायण के रूप में माना जाता है। जो विवाह होता है दोनों के बीच में, पति पत्नी बनने जा रहे हैं, वर वधु को लक्ष्मी नारायण के रूप में माना जाता है। और जिस प्रकार भगवान विष्णु के हाथ में चार चीजें हैं, भगवान नारायण के हाथ में, विष्णु के हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म है। सदैव आप भगवान विष्णु के फोटो तस्वीर देख लीजिए, भगवान के हाथ में शंख है, चक्र है और गदा और पद्म है। ये चार चीजें भगवान के हाथ में है। और इसी प्रकार शादी से पहले जो कंगन बांधा जाता है, उसमें लोहे के चक्र, मोती, कौड़ी, पीली सरसों और चाकू होता है। ये क्यों बांधा जाता है? क्योंकि ये मर्यादा का प्रतीक माना गया। लोहे का चक्र जो है मर्यादा का संकेत देता है। इसका अर्थ है कि विवाह के पश्चात आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ पर पति पत्नी को चाहिए कि आप जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करोगे, उसके बाद कभी आपके जीवन में मर्यादा का उल्लंघन ना हो। देखो, वो गृहस्थ उत्तम माना गया जिस गृहस्थ में मर्यादा का पालन होता हो। मर्यादा केवल बाहर वालों को दिखाने के लिए नहीं, अपने घर में भी मर्यादा में रहना चाहिए, पति पत्नी के बीच में भी मर्यादा का पालन होना चाहिए। और आप कहोगे पति पत्नी के बीच में कैसी मर्यादा? देखो, बाड़ी में मर्यादा, जब आपके पति आपको सम्मान देते हैं, बातें भी करते हैं तो कभी भी चिल्ला करके बातें ना करें, एक दूसरे को तू तड़ाक में बातें ना करें। जिस दिन आप दोनों की बात में अपमान होना शुरू हो गया, पति ने पत्नी को नीचा दिखाना शुरू कर दिया, पत्नी ने पति को नीचा दिखाना शुरू कर दिया, जिस गृहस्थ में पति पत्नी ही एक दूसरे का सम्मान नहीं करते ना, वहाँ पर कोई और आप दोनों का सम्मान करने वाले नहीं हैं। इसलिए गृहस्थ उन्हीं का मजबूत होता है जहाँ पर पति पत्नी का रिश्ता सुंदर है, दोनों में मर्यादा है, दोनों में सम्मान है। और लोहे का चक्र कंगन के रूप में बांधने का अर्थ यही है कि ये मर्यादा का प्रतीक है। ऐसा करने से आपको विवाह के पश्चात मर्यादा पूर्ण रहना चाहिए, ये इस चीज़ का संकेत माना गया है। कभी भी अपने जीवन में मर्यादा का उल्लंघन ना करें, पत्नी को प्रेम दें, क्योंकि आपकी पत्नी जो है अपने घर परिवार माँ बाप को छोड़ करके आपके सहारे आपके घर में पूरे जीवन रहने के लिए बिताने के लिए तैयार है। ऐसे में कई बार पति जो है सास बहू को डांट देती है, ननंद बहू को डांट देती है, चिल्लाते हैं, लेकिन खड़ा रह करके पति सुनता है, वो भी गलत है। पत्नी चाहती है कि हमारे पति देव हर परिस्थिति में साथ दें, लेकिन पति चुपचाप खड़ा रहता है, कहीं माँ की नज़र में, बहन की नज़र में मैं बुरा ना हो जाऊँ। इसलिए पत्नी को कई जगह बोलना भी पड़ता है, और पत्नी बोलती है तो वो बुरी हो जाती है। देखो, मर्यादा का पालन करना सबसे बड़ी बात है। और कंगन में चाकू का अर्थ है कि ये शत्रु से मुक्ति दिलाने में काम आता है, मुक्ति दिलाने में सहायक है। इसलिए ये कुछ चीज़ें कंगन के रूप में बांधा जाता है, चक्र, मोती, कौड़ी, पीली सरसों और चाकू। इसलिए विवाह में कंगन बांधने का प्रथा है।